नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया है UPSC की तरफ से, एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड होने का। क्या यह एग्जामिनेशन जो पोस्टपोन्ड हुआ है पेपर आउट होने की वजह से हुआ है या फिर कोई और कारण है, इसका एग्जामिनेशन डेट के बारे में क्या अपडेट है, तो एक छोटा सा नोटिस मैं उसी को पढ़ूंगा, जो आया है मैं वही बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं नोटिस पढ़ता हूँ जो कि ऑफिशियली है, और मैं बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, इसमें लिखा हुआ था यहाँ से, ड्यू टू द शेड्यूल ऑफ द इम्पेंडिंग जनरल इलेक्शन द कमीशंस हैड डिसाइडेड टू पोस्टपोन द सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी प्री एग्जामिनेशंस 2024 विच आल्सो सर्व्स एज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2024 फ्रॉम 26 मई 2024 टू 16 जून 2024। मीन्स इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो एग्जामिनेशन पोस्टपोन करने का जो रीज़न है वो आपका इलेक्शन है ये, और ये इलेक्शन आपको पता है कि होने वाला है पूरा पूरे कंट्री में, MP वाला, जिसको लोकसभा का बोलते हैं चुनाव। तो इसके वजह से बहुत सारे ऑफिसर्स और जो एग्जामिनेशन में जो हेल्प करते हैं UPSC में, वे लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बिजी रहेंगे इलेक्शंस के काम में, इसलिए इस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया गया है। न ही इसका पेपर आउट हुआ है, न ही इसमें कोई धांधली हुई है, UPSC का नीट एंड क्लीन एग्जामिनेशन है। लोगों के मन में डर बना हुआ था कि जैसे कि UPSC का पेपर भी ऑफलाइन होता है, तो लोग इसको भी, जैसे झारखंड के PCS वाला में कुछ लोगों का कहना है कि आउट हो गया, तो SSC CGL जैसे होता है, उसे झारखंड का भी CGL होता है, वो भी आउट हो गया। UP पुलिस का पेपर आउट हुआ, फिर RO का जो है कैंसिल हुआ, तो वो UPPCS को जो है पोस्टपोन कर दिया गया। तो लोगों के मन में डर बना हुआ है कि क्या ऐसा है क्या कि जो एग्जामिनेशन UPSC का होगा वो भी तो ऑफलाइन होता है, क्या उसका भी पेपर आउट हो गया। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, आप निश्चिंत होकर प्रिपरेशन करिए, आपको टाइम मिल गया है। ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से हुआ है, जैसे इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे सारे एग्जाम्स जो है जल्दी जल्दी कंडक्ट होने लगेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।